हैरी डालोगे उसी में मोटो मिल जाएगा। भाई मैंने तो पहली बार देखी थी जब वो आती थी, उस टाइम हमें इतनी जानकारी नहीं थी, छोटे थे, बच्चे थे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है टाटा मोटर्स से रिलेटेड। भाई आने वाली कौन कौन सी टाटा मोटर्स की गाड़ियां हैं, क्या धमाका किया है टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में, उसके बारे में भी बात करेंगे और कौन कौन सी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले वीडियो। अभी हम आ गए हैं अपने जो है इंडियन ब्रांड, तो ये सबसे पहले टाटा मोटर्स में अभी है। हैरियर खड़ी हुई है और उसको हाफ ओपन किया है, मतलब जो कि आप साइड से पूरा देख सको अंदर तक। हैरियर का फेसलिफ्ट इधर की साइड में है। इधर खड़ी है टाटा की टियागो ईवी, ये आप देख सकते हो पूरी, मतलब ईवी की अगर हम बात करें तो आपको पूरा ओपन किया है। टाटा वालों ने ये चीज़ अच्छी की है, मतलब आप जाओ गाड़ी में देखो अंदर बैठो चाहे। स्पेस कैसा है भाई साहब, अच्छा है? हाँ, तो ये देखो यहाँ पे, मतलब टाटा ने ये अच्छी चीज़ की है कि सबको बैठने के लिए दिया है। फुल्ली आप अंदर भी चेक कर सकते हो, 7 इंच का टच हरमन मिल रहा है। मोटोविज इंडिया हैरी डिल्लो दो है, हैरी डिल्लो डालोगे उसी में मोटोविज मिल जाएगा। तो ये केवल टाटा मोटर्स ने दिया है कि भाई आप जाओ गाड़ी में बैठो आराम से देखो पूरा, अदरवाइज सबने वो लगा रखे हैं रिबन। और बूट देखो इसका, काफ़ी बूट मिल रहा है नीचे इसमें, यहाँ पे चार्जर वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, मतलब तो आप आराम से पूरा गाड़ी चेक करो। तो अभी हम चलते हैं टाटा हैरियर ईवी। भाई देखो आप गाड़ी का, मतलब लुक देखते ही एक पहली नज़र में आपको पसंद आ जाएगी, और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में ये ईवी को जो है इस एसयूवी को लॉन्च कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है जैगवार और लैंड रोवर के कोलैबोरेशन में ये गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पे आपको जो है ये टाटा हैरियर ईवी में अलग ही एक टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, और लुक वाइज भी आपको मतलब जो फील आएगी ना वो बहुत ही मस्त आने वाली है। तो ऑटो एक्सपो में इसका कंसेप्ट को लेके आए हैं टाटा मोटर्स, जो एक दमदार लुक के साथ में आपको देखने को मिलने वाली है। 5 सीट्स इसमें आपको मिलेंगी और इंटीरियर इसका बहुत ही जानदार बनाया है टाटा मोटर्स ने। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी है ये। तो सियरा का नाम आपने सुना ही होगा टाटा मोटर्स में, मतलब सबसे पहली एसयूवी जो निकाली थी टाटा मोटर्स ने वो सियरा ही निकाली थी, लेकिन अब उसको सियरा को ईवी में लेके आ रहे हैं। और गाड़ी का अगर आप डिजाइन देखोगे तो सच में आपका दिल एकदम आ जाएगा गाड़ी पे। और इसका जो रियर लुक है वो बहुत जानदार लगा मुझे, मतलब तो यहाँ से देखने पता चला है टाटा मोटर्स ना ईवी पे कितना ध्यान दे रहा है आज की डेट में। आज मतलब उसने इसको डीजल या पेट्रोल में निकालने पहले ईवी का डिजाइन उसने दिखाया है ये ऑटो एक्सपो में। और इस गाड़ी का अगर आप इंटीरियर देखो या फिर एक्सटीरियर देखो, दोनों ही मतलब बहुत जबरदस्त डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। एक लग्जरी वाली फील जो आने वाली है वो इस ईवी कार में आपको मिलेगी। लॉन्च कब तक होगी अभी उसका खैर डिसाइड नहीं है, शायद 2025 तक ये लॉन्च की जाए ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी गाड़ी आप चेक कर सकते हो भाई, तो सच में मेरा तो दिल आ गया पहली बार में इस गाड़ी को देखते ही। अब चलते हैं आगे। तो आगे जो है इस गाड़ी का नाम ना सबने बहुत टाइम से सुन रखा है, कर्व वी। भाई सामने से आपको देखने का जो इसमें फील आएगा वो पूरा एसयूवी वाला फील आएगा, लेकिन आप जैसे ही इसके रियर में जाओगे तो रियर लुक आपको थोड़ा लगेगा सेडान जैसा। तो ये एक तरह से मिक्सचर है एसयूवी प्लस सेडान। और इस गाड़ी का डिजाइन मतलब देखने में मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी बड़े प्यारे हैं इसमें। तो इंडिया के अंदर इस तरह का डिजाइन आपने अभी तक शायद नहीं देखा होगा किसी भी गाड़ी में, जैसा कि आपको कर्व वी में देखने को मिलेगा। तो 1.2 पेट्रोल और 1.5 पेट्रोल इंजन में आपको ये गाड़ी मिलेगी। और काफी लोग बोल रहे हैं ये गाड़ी शायद 2023 में भी लॉन्च हो जाए, और कुछ बोल रहे हैं कि अप्रैल 2024 तक उम्मीद है इस गाड़ी के मार्केट में उतरने की। इसके बाद में जो यहाँ पे है टाटा सफारी का और टाटा हैरियर का आपको डार्क एडिशन देखने को मिलेगा। इधर खड़े हैं टाटा सफारी डार्क एडिशन।
तो यहाँ पे भी आपको मतलब भीड़ देखो इनके चारों तरफ कितनी लगी हुई है, मतलब डार्क एडिशन ना एक जो टाटा ने निकाला है वो रोड पे भी दिखता है और वो गाड़ी ना वो कलर बहुत पसंद आता है लोगों को। तो ये डार्क एडिशन जो इन्होंने दिया है उसमें रेड कलर के अंदर सीट्स मिल रहे हैं आपको, ये पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे भी, ये आप चेक कर सकते हो, इधर से आप पीछे जा सकते हो, सेवन सीटर में ये आपको मिलेगी सेम। तो ये थी सफारी का डार्क एडिशन। बाकी अब आगे चलते हैं तो आपको जो मिलने वाली है टाटा पंच सीएनजी, जो क्या एक बड़ा अचीवमेंट है। टाटा पंच सीएनजी भी आ गई है, टाटा एल्ट्रोज भी सीएनजी में आ गई और टाटा एल्ट्रोज इलेक्ट्रिक भी जल्दी आने वाली है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि पंच सीएनजी और एल्ट्रोज सीएनजी ना जल्दी शायद अगले महीने तक लॉन्च हो जाएगी मार्केट में। 1.2 सीएनजी इंजन इसमें आपको मिलेगा जिसमें के 77 पीएस की पावर मिलेगी और 95 एनएम के टॉर्क आपको मिलेंगे। 5 स्पीड मैनुअल के साथ में आपको ये गाड़ी मिल जाती है और जो इसका माइलेज एक मान के चल रहे हैं पर केजी में, वो मान रहे हैं कि 26 से 27 किलोमीटर पर केजी शायद इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, जो सीएनजी पे जाना चाहते हैं वो भाई अब इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। बाकी इंटीरियर वाइज ये गाड़ी बहुत मस्त है। अब इसका आगे जो हम चलेंगे एक गाड़ी और है, वो है एल्ट्रोज रेसर, तो उसका भी एक मतलब अलग ही दमदार लुक दिया है। ये इधर खड़ी कर रखी है टाटा मोटर्स ने एल्ट्रोज रेसर, ये घर की तरफ है, टर्बो इंजन के साथ में है। और रियर लुक में आप ये चेक करो, पूरा ये स्पॉइलर जो है काफी बड़ा मिल रहा है इसमें, ये इसका रियर लुक है कुछ इस तरह का। काफी सारे इसमें आपको चेंजेस मिल सकते हैं, रियर सीट एसी वेंट हो गए, बाकी इस साइड खड़े हैं टाटा के ट्रक्स, ये प्राइम एफसी पूरे ऑफ रोडर डंपर टाइप है ये। इधर टाटा की आ गई है मतलब ट्रैवलर टाइप विंगर, ये पूरी लग्जरी के साथ बनाई गई है, हर सेम जगह हर उस पे जो है इसके एलईडी लगाए हर सीट पे, मतलब आप चेक करो अंदर शायद ये इसमें जाने नहीं देंगे, ओपन नहीं है ये लॉक है। उधर कुछ बसेस वगैरह हैं, ये पूरा था जो टाटा का था। तो ये था टाटा मोटर्स का पवेलियन जो ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाया गया। मैंने ये पूरा घूमा, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी देखने को मिली जैसे कि सियरा, भाई मैंने तो पहली बार देखी थी जब वो आती थी, उस टाइम हमें इतनी जानकारी नहीं थी, छोटे थे बच्चे थे, सियरा जब हम बड़े हुए तो वो बंद हो गई थी गाड़ी, बट उसका जो अब ये डिजाइन दिया है इन्होंने वो बहुत बढ़िया दिया है। दूसरा जो बड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो आई कर्व वी। कर्व वी का सुनने में आ रहा है कि प्राइस ना 15 के आसपास रहेगा, 15 लाख टू 20 लाख के आसपास शायद जा सकता है, अप एंड डाउन भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी देखने में बहुत बढ़िया लगी। डिजाइन वाइज जो है वो एक अलग फील आता है, मतलब आपको एक ही गाड़ी में कुछ यूनिक डिजाइन देखने को मिल रहा है। और बाकी सीएनजी में आप एल्ट्रोज पंच वो दोनों गाड़ियां वहां पे आप उन्होंने लगाई हुई थी, तो अब सीएनजी का ऑप्शन भी हमारे सामने खुल गया है, तो उसका तो अलग ही बोलबाला है, लोग बहुत वेट कर रहे थे ईवी का, टियागो ईवी का स्पेशली, क्योंकि उसका जो प्राइस रखा था वो उन्होंने बहुत ठीक रखा था सोच समझ के। सो गाइस, होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो आपने देखा ये मतलब धमाकेदार एंट्री करी थी टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में और बड़ी बड़ी कंपनीज को मतलब सबको हिला के रख दिया। वैसे टाटा मोटर्स अपने इंडिया की कंपनी है तो उसने वहां पे जो प्रोडक्ट दिखाए, जो अपने आने वाले मतलब कंसेप्ट है उनके गाड़ियों के वो दिखाए, अच्छे लगे, मजा आया देखने में। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में, फिर तब तक के लिए बाय बाय।